नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीबीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ससेप्टेंस की इकाई क्या है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, मे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल देखिए, प्रेरक व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्टेज पर 5 एम्पियर धारा ले और 50 सर्टज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक, यानी आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास में जो जो मान दे रखे हैं अपन उनका प्रयोग करेंगे, जिसके लिए अपन अपने फॉर्मूले का पी बराबर वी आई कॉस फाई का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, वी का मान अपने पास में 240, आई का मान 5 एम्पियर और फिर आपका कॉस फाई का मान आप देखिए तो 0.8 शक्ति गुणांक आपको दे रखा है, इसे आपके पास में पी का मान आ जाएगा। फिर अपन इसमें आर का मान ज्ञात करेंगे तो अपना आएगा 38.4 ओम। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाएगा, यानी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, धारिता मान में कमी करके रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है, थ्री फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा जब लाइन वोल्टेज और लाइन धारा है, यानी IL VL आपका लाइन वोल्टेज और IL आपकी लाइन करंट है। तो यानी आपको रिएक्टिव पावर ज्ञात करनी है, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आप तो होता है पी आर बराबर √3 वी आई कॉस फाई वी आई साइन फाई, आपका जो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है वो आपके पास में राइट होगी। वी का मान आपके पास में वी एल दे रखा है, आई का मान आपके पास में आई एल दे रखा है, तो पी आर रिएक्टिव पावर बराबर √3 पी एल आई एल साइन फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है, यानी जो पावर फैक्टर है वो 0.5 से नीचे है तो उसका मुख्य रीजन कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपने चार ऑप्शन पढ़े, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार संयोजित सिस्टम में थ्री फेज असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है, यानी जो स्टार संयोजन सिस्टम होता है उसके अंदर जो थ्री फेज असंतुलन भार में जो न्यूट्रल तार होगा उसके अंदर कौन सी चालक में धारा क्या है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम, यानी जो आपका थ्री फेज सिस्टम होगा उन थ्री फेज में आर वाई बी तीनों में से जिसकी धारा कम होगी उससे भी कम धारा किस में पाई जाएगी? आपके न्यूट्रल या उदासीन चालक के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना एक न्यूमेरिकल में, थ्री फेज 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना करो, यदि आपके पास में लाइन धारा 16 एम्पियर और 0.8 शक्ति गुणांक। देखिए, आपके पास में पावर फैक्टर पी का मान ज्ञात करना है, तो पी का मान फॉर्मूला अपन ज्ञात करने के लिए पी बराबर वी आई कोस फाई। देखिए, अब वी का मान अपने पास में 415, आई का मान अपने पास में 16 एम्पियर, कॉस फाई का मान 0.8, ये फॉर्मूले में अपन सारे मान रखेंगे, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 11.5 के वी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री फेज बिजली मापने में 2 वाट मीटर W1 में W2 की रेटिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर इसका 0 हो, यानी जो बिजली मापन का 2 वाट मीटर मेथड है उसके अंदर उस पावर फैक्टर अगर 0 है तो रीडिंग क्या दर्शाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, W1 में W2 के बराबर लेकिन विपरीत संकेतकों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240 वोल्टेज RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? RMS के लिए अधिकतम वोल्टेज की बात हो रही है तो √3 गुना, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, 339.5 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में अपना है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, यानी रिएक्टिव पावर
तो अपन ने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही देखा था, अपन ने सेम ही है, सिर्फ इसमें वी और आई का मान नहीं दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला अपन से पूछा है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पी आर बराबर वी आई साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने पास में एक न्यूमेरिकल टाइप में, जिसमें देखिए परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करनी है आपको। आर का मान आपके पास में 5, एक्सएल का मान 36 और एक्ससी का मान 24 है, तो प्रतिबाधा की गणना करो, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, सिंगल फेज जैसी परिपथ में कालांतर कोण कितना होता है? तो अपन को पता है सिंगल फेज में कालांतर कोण 90 डिग्री होगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ही अगर थ्री फेज से संबंधित क्वेश्चन हो भी, थ्री फेज के अंदर कालांतर कोण, तो 120 डिग्री उसके अंदर ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP के मध्य संबंध, यानी स्टार के अंदर क्या संबंध होता है? तो अपन को पता है रूट तीन गुना, तो VL बराबर रूट तीन VP, यानी जो लाइन वोल्टेज है वह उसका मान बराबर होता है फेज वोल्टेज के रूट तीन गुना के, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल टाइप छोटा सा अपना, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित थ्री फेज 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना करो, यानी अब आपको धारा का मान ज्ञात करना होगा, फॉर्मूला अपना वही होगा, उसी अनुसार अपन जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 5.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, थ्री फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर रीडिंग में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पता है समान रीडिंग दिखाएगा तो पावर फैक्टर 1, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज जैसी आपूर्ति लेता है, यानी आप देखिए कोस फाई का मान ज्ञात करना है आपको, और सारे मान अपने पास में उस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पे आपका 0.5 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होगा यदि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल और धारित्य प्रतिघात एक्ससी से कम है, यानी जो एक्सएल है वो एक्ससी से क्या हो, कम हो, तो यहाँ पे आपका जेड वाला फॉर्मूला डी, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, प्रतिरोध बराबर 15 ओम, प्रेरणीय प्रतिघात 20 ओम, 240 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति में जुड़े आरएलसी सर्किट में शक्ति की गणना करो। अपन को पावर ज्ञात करनी है, फॉर्मूला अपना उसी अनुसार P बराबर वी आई, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 50 हर्ट्ज 240 वोल्टेज एसी आपूर्ति में 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जोड़े आरएलसी समांतर सर्किट में एडमिटेंस की गणना करें, इसके मध्य करंट पास कीजिए, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 0.033 में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, यानी पावर फैक्टर है उसको अपन कैसा अच्छा बना सकेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संधारित्र को समांतर में जोड़कर अपन पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं एनसीबीटी की होने वाली फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।